जिमें कि गुरमत के गुरु नानक साहब ने आख्या अमृत वेला
सतनाम वड्याई विचार दुनिया का सब तो वड्डा तनाड़ ते अमीर पुरख हो है जिस मनुख दे कोले सार संगत अमृत वेला वीर नानक जन्म दुलंप है होए न बार न बार जोबन फल पाके भोईंगे गोबर न लागे डर एना चक्यो किसे रुख नूं बड़ा फल लगदा है फल तां लग्या सोहना लगदा पर सारे पकदे नहीं जे पक भी बहुते जाण ते गल जांदे आ सार संगत साढ़े अंदर किसी विकारा ने सानू खा लिया जिन्ना मनुख आलसी हुंदा ना उन्ना ही विकारी होएगा जिन्ना दे विच उदम है जग में उदम काटिया दुर्ले कई की हैन दुर्ले नाही कने फैल पकड़ संसार तुसी याद रखियो रबा रात नु अमृत वेले उठ के जाप तप करना सी अचानक शरीर तंदुरुस्ती ना हो करके रबा तो अमृत वेला ना सांभिया गया रैबा दे जिहड़े जग्यासू सन जिहड़े उहनूं प्यार करन वाले सन उहदे हुकम नूं मन्नण वाले सन उहनूं पूजन वाले सन उस किसे संगी नूं सपना आया कि रात रैबा दी मौत हो चुकी है सार संगत सवेर नूं सारे चकन इकट्ठे हुंदे आ ते रैबा दे आले दुआले खलोंदे ने रैबा ने नेत्र खोले आख्या भाई तुसीं सारे मेरे पलंग दे आले दुआले क्यों खलोते हो किसी ने रोक के आख्या सानू रात बड़ा भयानक सपना आया आख्या की सपना आया आख्या सपना आया तुहाडा मेरे सपने दे विच मौत हो चुकी है रब ने हस के आख्या दुनिया दे लोग सच करके मेरी रात मौत हो चुकी सी जड़े लोग अमृत वेला न सामदे सार संगत असल ते ओह मरे ही है असल दे विच जो दादे दा जिहड़ा खजाना है ना प्यारे गुरु नानक साहब ने सानू अमृत वाली दात बख्शिश की है सिखी स्वरूप की दात बख्शिश की है रबा ने आख्या रात मैं अमृत वेला नहीं समझिया मैं अपने अल्लाह की पुकार याद में जुड़ नहीं सकी असल मेरी आत्मक मौत हो चुकी सी पर मेरा शरीर जिंदा है ऐ दुनिया के लोग जड़े अंदर नहीं गए कदे प्यारे जिन्होंने अपने अंदर जाना किया आज दुनिया के तर्कवाद बोध है कई लोग कहते कि संत साध ब्रह्म ज्ञानी इन्हां दी कड़ी पीया चढ़ी है ध्यान ना सुनियो साध संगत पानी दे विच मधाणी पाई है ना कदे भी मक्खन नहीं निकलदा गल्लां करे कनेरियां खसम ने पावे सांध हिरदे कपट मुख ज्ञानी झूठे कहां विलोवच पाणी अज असी देखदे कि पुराने जमाने च हुण भी माइयां जदों दुध रखदियां उहनूं खट्टा लाउणा पैंदा रिकणा पैंदा फिर जाके मक्खन निकलदा यह शरीर है पंजां तत्तां दा यह शरीर है इसके अंदर परमात्मा ने खजाना रखे है प्यारे तू मन है असल दे विच जिन्हां ने मन नूं रिड़किया शब्द दे नाल शब्द दी चोट नाल जिन्हां ने मन नूं हलाया असल च ओह संत ने ठीक अज कोई थर्मामीटर ते बनिया नहीं कोई बंदा ला के देख ले बंदा पूरा के दूर है असल दे विच साधु की रहनी बहनी ते छानी होए करती है जिस स्थान तो तुसी बैठे हो ना बाबा सुच्चा सिंह महाराज जदों दास ने उन्होंने पहली बार दर्शन किए उन्होंने कोल बैठे शांति होंगी सी उन्होंने नेत्र तिजे होंगे सन परमेश्वर की याद तो शब्द का प्रताप सी उन्होंने रोम रोम के वाहगुरु शब्द का प्रताप सी सत करके जाने प्यारे जिन्होंने अंदरों शब्द ना रिड़किया ना उन्होंने बापू नू पाया हर का सेवक हर ही जिया कि दुनिया के लोग भुलेखिया विच ने प्यारो जिवें जिवें साडे पुराने पिछले जन्मां दा तत जागदा साडी अवस्था वधदी जांदी है जिन्ना तुसीं जपोगे उन्ना ही तुसीं वधोगे तो जिन्हां ने कदे अखां बंद करके अंदर जाण दी जतन नहीं कीता उह संतां दी साधुआं दी सार नूं की जाणदे है इस जवती दे विच प्यारो उन्हां महापुरखां ने आसन करके अज पूरे संसार दे विच इह नहीं लुधियाणे विच समुचे वर्ल्ड दे विच इस संतां दा सत्कार है इत्थों हजारां जीवां ने जन्म लिया कड़ा जन्म लिया जिवें रैबा कहिंदी सी ना मेरा अंदर मेरी आत्मक मौत हो चुकी है शरीर जागदा है इत्थों अनेकां ने आत्मक जीवन लिया अज उह बाहर जाके देशां परदेशां च कीर्तन करदे है प्यारे उहनां महापुरखां दी कमाई है साडी गलत साडे घर दे नहीं मानदे अज जिहड़े कहिंदे ने संतां ने कड़ा पी आ कड़ी कीती हुंदी उहनां नूं फ्री दीआं डिग्रियां दित्तियां जांदियां डिग्री साध संगत शरीर नहीं दिंदा डिग्री एक तुहाडी कमाई एक साडा बापू परमात्मा दिंदा रब वड्याई दिंदा है शरीर किसे नूं वड्याई नहीं दे सकदा उहनां तों वरसाए साडे कौम दे महान अमुल हीरे
संत बाबा अमीर सिंह जी महाराज मैं माण है बाबा जी साढ़े इलाके के हरियाणे के है। सो प्यारो इन्होंने इस बगीचे की देख रेख की है सारिया कौमां संपर्दावान कट्ठे करते जिम्मे एक बाग के बगीचे किन्ने फुल होंगे तो सोहने लगते बहुत बड़ा कार्य इन्हों का मेरे को शब्द नहीं मेरे शब्द छोटे ने मेरा सतगुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह मेहर कर महापुरखों के सिर पर मेहर प्रयास तक इन्होंने चुरीविकता दर्शित कर साधु को पांच मिनट दस मिनट बह लिए साढ़े तर्क भी खत्म हो जाते हैं साढ़े वाद विवाद भी खत्म हो जाते हैं साढ़े मन के कलेश भी खत्म हो जाते हैं जेकर हो गए साढ़े अंदर श्रद्धा तुम सारे अरदास करो ये उन्होंने महापुरखों का स्वरूप ने गुरु साहब इन्होंने तंदुरुस्ती लंबी आयु रक्षित कर इस बाग बगीचे की सेवा करते हैं चौधरी टकसाल इतों के विद्यार्थी बाबा जी के छोटे भाई साहब बाबा कुलदीप सिंह जी सकत्र साहब रजिंद्र सिंह जी भाई साहब जी होर भी अनेक विद्यार्थी बड़ा प्यार करते हैं महाराज सारे गुरसिखी जीवन बच्चे महापुरखों का दास नाल प्यार है इन्हों के चरणों की धूड़ है और इन्होंने चरणों की धूड़ी मांगते हैं बाबा जी चरणों ना ला के रखियो इन को बेनती प्रवान करो पंजां बेअंत फुलां दी समा अमृत छक के गुरु वाले बनिए वो प्यारे गुरु के हाल चढ़ के गुरु दियां खुशियां मान सकिए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी।